अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वर्ल्ड गुरु, मैं आपका विकास, आपका मैं चैनल फिर स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं आईटीआई अप्रेंटिसशिप 2018 दिसंबर एनसीबीटी एससीबीटी, जरूर अप्लाई करें, ऐसा मैंने लिख दिया है नोटिफिकेशन में आपके लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको अप्रेंटिस बताई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट में है। तो मैं आपको सारी सारी जितनी भी डिपार्टमेंट की आपकी अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट आई है वो सारी एक इसी वीडियो में कवर कर देंगे, जिससे कि अलग अलग वीडियो ना बनानी पड़े और सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। जितनी भी मेरे पास इस समय अप्रेंटिसशिप अवेलेबल है जहाँ 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 पे आई है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हैं किस प्रकार से अप्लाई करना है, आपको पूरा वीडियो बताएंगे और क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या फीस लगनी है और क्या डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। तो इसमें आपको कई तरह की वैकेंसी मिलेंगी हर डिपार्टमेंट की, तो जितनी वैकेंसी अवेलेबल है करीब आप मान के चल सकते हैं 5,000 के आसपास वैकेंसी है अलग डिपार्टमेंट में, तो आप अपने ट्रेड के अनुसार वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वैकेंसी दिखाते हैं और वहाँ से आप कैसे किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो पहली वैकेंसी मेरे पास अवेलेबल है वो डीआरडीओ CVRDE की है, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट। तो यहाँ की आप वैकेंसी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है कारपेंटर, कोपर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर, टर्नर और वेल्डर। तो 127 वैकेंसी है टोटल, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने ट्रेड के अनुसार। और इसमें आपको कितना पर मंथ मिलेगा, फॉर कारपेंटर एंड कोपर वेल्डर के लिए 10,739 पर मंथ मिलेगा और अदर ट्रेड के लिए आपको 11,522 रुपये। तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा है अदर कंपनियों के मुकाबले। नो अदर अलाउेंस विल बी पेड ड्यूरिंग दी अप्रेंटिस ट्रेनिंग, अदर कुछ नहीं मिलेगा आपको। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है और 30 रुपये आपका चार्ज किया जाएगा जनरल ओबीसी के लिए, और एसटी और फिजिकल कैंडिडेट के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो सिंपल सा है, ओरिजिनल मार्कशीट लगानी है आपकी, टीसी मार्कशीट, कम्युनिटी यानी कि कार्ड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड अदर आपके पास जो सर्टिफिकेट होंगे आपके, वो आपके जीरोक्स कॉपी, प्रिंट आउट, ऑनलाइन अप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इसमें आपका जो जो आपका सिलेक्शन मोड है वो भी आपको पता होना चाहिए किस प्रकार सिलेक्शन होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी मोड ऑफ बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दी पर्सनल इंटरव्यू। इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देना, उसके बाद आपको ईमेल के माध्यम से आपके पास डेट और टाइम आ जाएगा कि आपको इस डेट और इस टाइम को आपको यहाँ पे पहुँचना है और आपको इंटरव्यू जाकर देना है। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसके 15 दिन के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने सबमिट कर देने हैं इनकी वेबसाइट पे, इनको जाके जहाँ भी आपकी ज्वाइनिंग होगी 30 दिन के अंदर, 15 से 30 दिन के अंदर आपको दिया गया ईमेल के बाद 30 दिन के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट ये जो आपको दिए गए सारे सबमिट कर देने अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है। इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ये लिंक है यहाँ पे, इसमें आप नोटिफिकेशन में ही आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहीं पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यूजर पे क्लिक करना है, यहाँ ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको बनाना है, पासवर्ड आपको इस प्रकार बनाना है, पहला अक्षर कैपिटल हो उसके बाद 123 आप एट द रेट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अपना डेटा फिल करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की, आधार कार्ड, ये सब। उसके बाद पेमेंट अगर आपको करनी है जनरल है तो 30 रुपये, एससी वगैरह तो फ्री, उसके बाद आपको लॉक कर देना है, बस इतना आपको करना है ये डीआरडीओ के फॉर्म में अप्रेंटिसशिप के लिए। तो ये आपकी पहली वैकेंसी हो गई, अब नेक्स्ट वैकेंसी पे चलते हैं। इस वैकेंसी में कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारे पास अवेलेबल है वो है एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन फॉर आईटीआई पास कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर एचएल बैंगलोर। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बैंगलोर की वैकेंसी है, जिसमें आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी भी आपकी लास्ट डेट 30 तारीख है। इसकी आपकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगी, बेसिकली इसमें शायद आपको नोटिफिकेशन में दिया नहीं गया है, तो आप मे भी आप मान के चलें इस एक 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो 31 दिसंबर इसमें भी लास्ट डेट है आपकी। तो ये एचएल बैंगलोर का फॉर्म है मेरे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन अप्रेंटिस पास 8 दिसंबर का नोटिफिकेशन जारी हुई है, और इसमें आपकी ट्रेनिंग की जो ट्रेड है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर,
और पास आइए आपके जो भी हो, फाउंड्री मैन और सीट मेटल वर्क, तो इतने ट्रेड आपके पास अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपको आईटीआई होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयबिलिटी एक्सचेंज ऑफ कर्नाटका दी मस्ट हाई, आपका हाई स्कूल और आईटीआई पास होना चाहिए, कॉपी ऑफ हाई स्कूल लगेगी, कॉपी ऑफ आईटीआई मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड लगेगी, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप है, तो ये सारा चीज़ आपका लगेगा इसमें। तो वही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, सेम 29 दिसंबर से पहले आपको इसको भेज देना है। और ये फॉर्म है आपका, इसमें आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप एनसीबीटी की वेबसाइट से करेंगे वो यहाँ पर डालना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, डेट मेल फीमेल, एजुकेशनल आपका 10th पास, फोटो लगा दें यहाँ पे, कब आपने पास किया हाई स्कूल वो उसका, आईटीआई के ट्रेड का, सारे सेमेस्टर के नंबर टोटल लिख दें, जो भी कम आपकी कैटेगरी है वो लिख दें। सिंपल सा फॉर्म है, इसको भर के आपको जो है कहाँ पे भेजना है, ये नोटिफिकेशन में आपको एड्रेस दिया गया होगा, नहीं दिया है तो आप, ये है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलोर, पिन कोड ये, इस पते पे आपको भेज देना है। टिकट लगा के 10 रुपये की, 30 रुपये की, जो भी आपको सुटेबल लगे, इसको लगा के आपको सारे डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी आपको इसके साथ भेज देनी, हाई स्कूल इंटरमीडिएट और अपना आधार कार्ड एक, और अप्रेंटिसशिप का जो रजिस्ट्रेशन होगा और आईटीआई की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आप इसमें भेज दें। तो ये होगी वैकेंसी नंबर 2 HAL लखनऊ की। अब थर्ड वैकेंसी पर चलते हैं, वैकेंसी के मैं नाम बता रहा हूँ उनको कॉपी में नोट करते जाएं, उसके बाद जब अप्लाई करें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहली आपकी DRDO की हो गई, DRDO कॉम्पैक्ट व्हीकल रिसर्च की, सेकंड आपकी होगी HAL बेंगलोर की। अब थर्ड वैकेंसी पर चलते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, RRW यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी कि हुबली की है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड साउथ वेस्टर्न रेलवे, तो इसमें रेलवे में कई डिपार्टमेंट में आई है, तो हम लोग अभी साउथ की बात करेंगे। तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यहाँ से आपको लॉगिन करना है, तो इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप इसकी लास्ट डेट पहले देख लेते हैं, 17 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और एंड ऑफ 16 जून को है आपका, और रजिस्ट्रेशन आपको इस प्रकार से करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर और स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर लें आप, नोटिफिकेशन इसमें आपका दिया नहीं गया, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, या रिज्यूम भी आप यहाँ पर डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं, रिज्यूम का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। देख लेते हैं नोटिफिकेशन किस प्रकार से है, तो ये नोटिफिकेशन है आपका, ऑनलाइन रजिस्टर्ड आपका होगा सारा काम इसमें, और आप यहाँ देख सकते हैं वैकेंसी काफ़ी अच्छी मात्रा में है, 287 वैकेंसी, फिटर वेल्डर इलेक्ट्रीशियन रेफ्रिजरेटर की है, प्रोग्रामिंग एंड यानी कि प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एंड इसकी वैकेंसी पास का मतलब है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट, तो ये ध्यान रखें। यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं अवेलेबल है आपके सामने, और अलग अलग डिपार्टमेंट में है, ये हुबली में है, ये बेंगलोर डिवीज़न में है, तो सारे वैकेंसी है, ये मैसूरी में है, सेंट्रल वर्कशॉप मैसूरी, तो सारे वैकेंसी यहाँ पे आपके दी गई हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हैं, तो मोड ऑफ सिलेक्शन है आपका मेरिट तैयार की जाएगी, जो कि 50% आपके मेट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई के मार्क के आपके जोड़े जाएंगे, तो इस प्रकार से कुछ मेट्रिक आपकी बनाई जाएगी और फिर इसका आपका सिलेक्शन होगा इसमें। तो 24 ईयर एज होनी चाहिए इसमें, ST/ST के लिए 3 साल और 5 साल की छूट है इसमें, वही जो आपका सेम समय होता है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th है, 10+2 और 50% मार्क आपके मिनिमम होने चाहिए, पेमेंट आपको 100 रुपये लगेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है, ऑनलाइन आपको करनी है, और ट्रेड आपके सामने ही अवेलेबल है, यहाँ पे ट्रेड आप देख सकते हैं। बाकी इसमें भी आपके कुछ फॉर्म दिए गए हैं, इनको देख लें, आपके मतलब के हो तो इनको फिलअप करें, वरना इनको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ये अदर चीज़ें हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ से होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर अपना सारा फॉर्म भर के आगे का प्रोसेस इसमें करना है, तो इसमें मैं कोई बताने वाला नहीं हूँ आपको, सिंपल सा प्रोसेस है, आप आगे बढ़ते जाएँ स्टेप बाय स्टेप, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, अगर कहीं पर डाउट होता है तो आप वहीं पर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये हो गई आपकी सेकंड वैकेंसी, जो कि आपकी RRL की यानी कि रेलवे की, RWL यानी कि आपकी साउथ वेस्टर्न रेलवे की है, साउथ वेस्टर्न रेलवे, RRCSWR साउथ वेस्टर्न रेलवे की है, नोट कर लेना। तो थर्ड नंबर की वैकेंसी ये हो गई, अब चलते हैं फोर्थ नंबर पे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी है, जो कि 11-12 से स्टार्ट है और 10-1 तक चलेगी आपकी, और इसमें देख लेते हैं क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट है। मोड ऑफ सिलेक्शन है आपकी मेरिट बेस पे होगी आपकी, इसमें भी 50% इंटरमीडिएट और बाकी आईटीआई के आपके जोड़े जाएंगे। और वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे दानापुर डिवीज़न में, 702 अलग अलग डिपार्टमेंट में है, और फिटर वेल्डर मैकेनिक रिफ्रिजरेटर सारी आप वैकेंसी आप देख सकते हैं, सारी वैकेंसी यहाँ पे लगभग अवेलेबल है। धनबाद डिवीजन में फिटर टर्नर मशीनिस्ट कारपेंटर 161 वैकेंसी है,
और मुगल सराय डिवीजन में आपकी हैं 932 वैकेंसियाँ अप्रेंटिस की हैं, जिसमें फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, MMTP, टर्नर, वायरमैन, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक डीजल, तो सभी प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद समस्तीपुर डिवीजन में 82 वैकेंसी हैं, ट्रेड यहाँ पे सामने अवेलेबल हैं आपके। उसके बाद प्लांट 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 डेपोर्ट मुगल सराय में 137 वैकेंसी हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अपने पॉज कर लें वीडियो को और सारी वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन और एलिजिबिलिटी 24 ईयर सब में एज है, और मोड ऑफ सिलेक्शन आपका सब में मेरिट बेस से आपका होना है। सारे फॉर्म आपके ऑनलाइन सबमिट होंगे कोई आपको, और पेमेंट आपकी जो है 100 रुपये आपकी लगेगी। इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है और क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। आप नोटिफिकेशन खोलेंगे उसमें ही आपको PDF का लिंक मिल जाएगा किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो वहीं पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना नेम फिलअप वगैरह कर दें, इस प्रकार से पूरा फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है। तो सारी जानकारी इसी में अवेलेबल है आपके PDF नोटिफिकेशन में, तो वीडियो को पॉज कर लें और लिंक देख लें, लिंक नोट कर लें, वेबसाइट का लिंक नोट कर लें और कौन सी आपकी वैकेंसी है उसको नोट करके फिर आप इसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो वेबसाइट पे इनकी चले जाएंगे ऑफिशियल, वहाँ पे आपको सारी जानकारी आपको लगभग मिल जाएंगी अगर आपको किसी भी चीज़ को ढूंढने में दिक्कत होती है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गई आपकी साउथ वेस्टर्न रेलवे। अब आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न रेलवे की, ये भी आपकी वैकेंसी है और ये आपकी जो है मुंबई की है। ओपनिंग डिटेल है इसकी, ओपनिंग डेट है 10/12 और क्लोजिंग डेट है 9/1, और वेबसाइट इसकी ये है आपके सामने, यही इसकी वेबसाइट है जो मैं अभी आपको फॉर्म दिखा रहा था। ये फोर्थ नंबर की वैकेंसी है आपकी, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर की वैकेंसी है। ये आपका पूरा फॉर्म है, इसको फिलअप आपको करना है, आईडिया का वगैरह जो भी आपके ट्रेड हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। इसमें भी आपकी 15 से 24 एज है आपकी, और इसमें ट्रेड और वैकेंसी देख लेते हैं। तो ट्रेड फिटर है, वेल्डर है इसमें, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर। नीचे आते हैं, पेंटर है आपकी, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो ये टोटल आपकी वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने ट्रेड के हिसाब से अप्लाई कर दें। तो ओवरऑल 374 वैकेंसी हैं करीब, अलग अलग डिपार्टमेंट में, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो जो भी आपके डिपार्टमेंट की हो अगर जहाँ जहाँ भी आपको इच्छुक है अप्लाई करने के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी, करीब 5,000 के आसपास या उससे ऊपर भी आपकी अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट इस समय आई हुई है ओनली दिसंबर में। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर कर दें जिससे अधिक से लोग अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर लें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अप्रेंटिस करना आपके लिए। और डिवीज़न आपके यहाँ पर दिए गए हैं जो उनके कोड हैं, इन कोड के हिसाब से आप देख लें, सब जहाँ कोड सब शहर के नाम दिए गए हैं यहाँ से अपना देख लें जहाँ भी आपको अप्लाई करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका सेम है, समय मेरिट बेस से होगा, 100 रुपये आपकी फ़ीस लगनी है, ऑनलाइन आपको सारा काम कर देना है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई आपकी फोर्थ नंबर की वैकेंसी, और आगे बढ़ते हैं, पर नाम नोट करते जाएं। और नेक्स्ट वैकेंसी आपकी नॉर्थन कोल फील्ड लिमिटेड, जो कि आपकी एमबी में है, एमपी में है आपकी, इसको कहते हैं NCL, ऑफिस ऑफ मैनेजर HRD, नॉर्थन कोल फील्ड लिमिटेड में आपकी है। और इसमें आपकी ट्रेडें देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी हैं। तो वेल्डर है आपकी, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, कुल ये है, कुल आपकी 441 वैकेंसी हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आपकी फिटर की वैकेंसी है, इसमें 174 है, 179 इलेक्ट्रीशियन की है, और फिर आपकी वेल्डर की। तो तीनों इंपॉर्टेंट ट्रेड हैं और तीनों की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके कार दिए गए हैं जो शॉर्टकट की के हिसाब से हैं, जो आपको काम इसमें करना है वो भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे एल है तो एल माने उठाना है, एम एफ है तो उंगलियों से कार में समचा PP खींचने में ढकेलना, तो ये सारे आपके कोड के हिसाब से जैसे यहाँ पर दिया गया है, वो जो फिटर में जो जो काम आपको करना है वो यहाँ पे सारा दिया गया है। उसी तरह वेल्डर वगैरह में है, इलेक्ट्रीशियन में 10, और ITI की ट्रेन आपके NCPTSC बेसिक मान्यता प्राप्त आपकी होनी चाहिए, और 50% अंक आपके ITI में 10th में, और 45% आपके ITI में होने चाहिए। तो सेम वही प्रोसेस है इसमें भी, आयु उसमें 16 से 24 है, और डॉक्यूमेंट हाल का रंगीन फोटो, स्वयं हस्ताक्षर, माता पिता का हस्ताक्षर, ITI की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, अगर ये सब आपके पास हो।
तो सेम प्रोसेस है इसमें भी आपका, और मेरिट से आपका इसमें भी एडमिशन है। फॉर्म आपका ये है, जो ट्रेड हो फिटेड इलेक्ट्रीशियन या गैस वेल्डर, अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भरना है आपको, या बाकी डिटेल आप देख लें, सिंपल से डिटेल है, कोई ज़्यादा कोई कठिन फॉर्म नहीं है। किसी भी कॉलम में आपको दिक्कत हो पता वगैरह आपका डालना, कब आपका ITR स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था, कब आपने पास किया किस ईयर में, और सेल्फ फाइनेंस डिटेल यहाँ पे डालनी है, बैंक अकाउंट, बैंक एड्रेस, IFSC कोड, यहाँ सारे डिटेल आपको डालनी है, जिसमें आपका पैसा वगैरह आएगा जब पेमेंट होगी, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, फोटो सेल्फ सिग्नेचर के साथ। तो सिंपल सा आपका फॉर्म है आपका NCL का, इसका फॉर्म अप्लाई करके सबमिट कर दें। जो भी डॉक्यूमेंट में यहाँ मांगे गए हैं आप उसके सामने लिखा गया है, इनको आपको अपलोड कर देना है साइट के हिसाब से, यहाँ साइज वगैरह दिया गया है, कहीं भी दिक्कत हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं बिल्कुल भी। और PWD सर्टिफिकेट है, कार्ड सर्टिफिकेट है, सबका साइज यहाँ पर दिया गया है, उसी साइज के अनुसार फाइल फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तभी आपको फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो सारी डिटेल भरते जाएँ एक के बाद एक कॉलम में, और फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, और नोटिफिकेशन पहले देख लें उसके बाद ही फॉर्म भरें अपने ट्रेड के अनुसार। तो ये थी आपकी 5 नंबर अप्रेंटिस, इसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अब नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं, जो कि है आपकी डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश पावर जनरेटर कंपनी लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है MPPGCL। तो इसमें देखते हैं अप्रेंटिस में किस प्रकार की हैं आपकी। तो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनरी, ड्राफ्टमैन, सिविल, वायरमैन, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक, ज्योतिर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक डिग्री के, डिप्लोमा ब्रांच मैकेनिकल। तो यहाँ पे आप जो भी ट्रेड हो आपके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप और रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा, और 31/12 से पहले आपको इसमें आवेदन करना है, 18 से 25 आपकी आयु है, और सारा आवेदन आपका वहीं से होगा। और यहाँ पे आपकी ट्रेड वगैरह दी गई हैं, 190 वैकेंसी हैं करीब सारी आपकी ITI अप्रेंटिसशिप के लिए, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और सारा काम ऑनलाइन होगा। और ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 4,000 रुपये, और जो आपके ITI वाले लोग हैं सबकी यहाँ पे दी गई है, अलग अलग पैसे आपको सब में दिए गए हैं, वहाँ पे लिखे गए हैं, और इस लिंक पे आपको जाके आवेदन अपना अप्लाई वगैरह कर देना है। मेरे मान से ये आपका शायद ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होगा, ये देख सकते हैं फॉर्म इसमें आपको दिया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको भर के सबमिट करनी है। तो एक बार नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ लें फॉर्म भरने से पहले, और क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, उसके बाद ही आप फॉर्म को अपना अप्लाई करें। तो ये 6 नंबर की वैकेंसी थी आपकी, नाम नोट करते जाएं कार्यालय का, जो भी आपकी कंपनी का नाम है यहाँ पे देख लें, मध्य प्रदेश पावर कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे लिंक भी दिया गया, लिंक भी देखते जाएं और इसको नोट कर लें कॉपी पेपर लेके, उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। नेक्स्ट डेट पे चलते हैं, जो कि है रेलवे रिक्रूटमेंट से नॉर्थन रेलवे में आपकी, और जिसकी लास्ट डेट है आपकी 31/1/2019, और ये स्टार्ट होगी आपकी 31/12 को, तो अभी इसमें काफ़ी टाइम है, लेकिन स्टार्ट हो गई है लखनऊ डिवीज़न की, आज की डेट में आपकी आई हुई है ये नोटिफिकेशन, और काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है, 105 आपकी हैं वैकेंसी लखनऊ डिवीज़न में, और अलग अलग डिपार्टमेंट में है, अलग अलग सिटी में। ओवरऑल की अगर बात करें तो करीब इसमें आपकी वैकेंसी आप कह सकते हैं 2,000 के आसपास आपकी हैं, यहाँ टोटल आपकी दी गई हैं, ग्रैंड टोटल 1,092 वैकेंसी आपकी टोटल है, सभी ट्रेड की, सभी वर्कशॉप को मिला के, और ट्रेड यहाँ पे आपकी सब दी गई हैं, लगभग सारी ट्रेड इसमें कवर है, मेन मेन जो जहाँ पर डिपार्टमेंट में काम है उस हिसाब से। तो इसको देख लें और इसको अप्लाई कर लें। एज लिमिट है इसमें 15 से 24, इसमें भी आपकी बाकी सेम प्रोसेस वही है, 100 रुपये आपका ऑनलाइन पेमेंट होना है इसमें। दी प्रोसीजर ऑफ आपका जो टेस्ट होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन, वो यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनिंग, स्क्रूटनी ऑफ अप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन वगैरह देखा जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी, सिलेक्ट अप्रेंटिसशिप मेरिट बेसिस पे आपका होगा, 50% ITI और उसके मिला के दोनों का आपका मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद फिजिकल फिटनेस आपका जो भी होना है वो सब होगा, ऐसे मेडिकल वगैरह, और बाकी सेम चीज़ें हैं, वही चीज़ें आपकी जो है सब में होती हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करने जाना है, और फोटो वगैरह यहाँ पर सब दी गई हैं, इनको देख लें उस हिसाब से अपना फॉर्म को सबमिट कर दें। अभी ये फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसका लिंक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो जैसे इसका लिंक ओपन होगा, ये है आपका क्लिक हियर टू अप्लाई, तो अभी इसका लिंक ओपन नहीं है, जैसे लिंक ओपन होगा उसको आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी करीब 7 अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी, तो आप देख सकते हैं करीबन 4,000-5,000 के आसपास ओवरऑल वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में, सबसे ज़्यादा रेलवे डिपार्टमेंट में है, उसके बाद और भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे ही अवेलेबल होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप नाम नोट कर लें एक एक डिपार्टमेंट का, और भी कई डिपार्टमेंट की आके जा चुकी है, डेट जिससे मैंने आपको बताई नहीं है, लखनऊ की आपकी खत्म हो चुकी है, रेलवे झांसी और रेलवे आपकी
जयपुर की अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे झांसी की अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन झांसी की डेट आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो ये सारे अप्रेंटिसशिप आपकी समय लेटेस्ट में चल रही हैं, इनकी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो अप्रेंटिसशिप को लेके, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।